उठी रख सोच और उठी रख पहुंच यार हरियाणा कर यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। वीडियो बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि स्कूटी से जा रही हूँ आज मैं जिम, तो चला लेना काम ऐसे ही। एक्चुअली गाइज, आज मैं स्कूटी इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था, वो काम मैं करने जाऊंगी। वो पापा और हुड्डा जी का काम होता है लेकिन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको संभालूंगी। और दूसरी बात, बस जिम पहुँच गई हूँ और आपको दिखाते हैं कि मैं कितनी तगड़ी तगड़ी आज बढ़िया वाली बड़े वाली एक्सरसाइज करूंगी। पहली बार, अब तक तो छोटी मोटी से ही काम चल रहा था। पहुंच गई मैं, ठीक है थोड़ी देर बात करूंगी। ऊपर जिम में सॉन्ग चल रही है तो वहां बना नहीं सकती। मेरे ना फोन में थोड़ी सी स्क्रैच आ गई, आगे इस स्कूटी पे कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। वाला एरिया तो बिल्कुल खाली है, जितने भी लोग हैं सारे ऊपर ही कर रहे हैं, ऊपर ही म्यूजिक चल रहा है। फोन की स्क्रैच यहाँ से तो दिखेगी नहीं, कोई नहीं बाद में दिखाऊंगी। ओके, वर्कआउट आपने कहोगे, वर्कआउट तो दिखाया बिना कितना करा, क्योंकि यार जिम में जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अब सब जा लिया। आज मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी थी, वो करी थी लेग्स की, मतलब मेरे को 1.5 घंटा हो गया एक्सरसाइज करते करते, और अब बस हो गया। अब मैं जाऊँगी घर क्योंकि मैं भाई थक गई हद तक ज़्यादा, बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरी ना बढ़िया सी बॉडी बन जाए बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल मेरा मोटिव यही है क्योंकि मैं मतलब करके ही रहूँगी अपनी ड्रीम बॉडी तैयार। थोड़ी बहुत बातचीत कर ही लूँ ना, अभी तो फैट भी है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सब कुछ ख़त्म कर देना है। इसमें सुपर कट गेट स्लिम मेरी बहुत हेल्प करती है, वो तो है ही रेगुलर मेरी। और चल रहा है भाई अपना वर्कआउट, देखती हूँ कि महीने में एक सेकेंड, यहाँ रोशनी ज़्यादा आ रही हो, अब रोशनी गई बिल्कुल ही, अब ठीक है। हाँ देखती हूँ कि मतलब महीना तो नहीं हुआ अभी, मेरे को कितना क्या फ़र्क दिखता है, मैं हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक जी, और आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों को, वो भी मैं बताऊँगी। सो अब फिलहाल के लिए चलते हैं क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट घर के लिए बहुत ज़्यादा। मैं वो मैक्स प्लाजो अपना सामान लेने के लिए जो ज़रूरत का है वो। सच में मुझे इतना अजीब लग रहा है ना अकेले बह बह करके, मतलब मैं पब्लिक प्लेस पर अकेले इतना ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। मिस्टर हुड्डा की याद आ रही है, अगर वो होते तो हम दोनों एक दूसरे से बकवास करते रहते, कुछ ना कुछ बनाते रहते। कोई बात नहीं, वो भी अकेले अपना काम कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा जिंदगी का, और क्या है। हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज मैं जिम करके आ गई सुबह, फिर उसके बाद मैंने अपना खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद कार ड्राइव करने गई मैं। कार ड्राइव करते टाइम मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती क्योंकि यार फिर मेरा ध्यान भटक जाता है, तो और मुझे थोड़ी हेजिटेशन भी आती है। फिर मैं यूँ सोचती हूँ यार कि तुम लोगों को एक साथ ही सरप्राइज दूँ और मिस्टर हुड्डा को भी कार ड्राइव करके, और मिस्टर हुड्डा को भी बैठा के ले जाऊँ लॉन्ग ड्राइव पे, एकदम से सरप्राइज दूँ। वैसे तो पता है मैं हाईवे पे कार चलाती हूँ, कैन यू इमेजिन दैट, कि शायद पापा बुला रहे, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आगे मैं फिर से अपना पानी पूनी भी ले आई, बढ़िया एनर्जी ले लेके। ओ विनेगर डाल रखा है मैंने इसमें। तो छोड़ो, बात सुनो अब मेरी ध्यान से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, बट यूं है, टाइम पास तो करवा ही दूंगी क्योंकि अपना तो काम ही टाइम पास करना और करवाना है। क्या कह रही थी मैं वहां जाने से पहले, मैं वो ही बात भूल गई जो बात कहने आई थी, मेरा भी भेजा खत्म हो गया दिखे मैंने तो। छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले तो थैंक यू मैं करती हूँ आपका, कि आप इतना सपोर्ट इतना प्यार दिखाते हैं यूट्यूब पे, जो चीज़ हमने सोची भी नहीं थी, भर भर के ट्रक भर भर के प्यार देते हैं आप। हाँ, तो आज वो दिन फाइनली आ गया है जब हम क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देंगे और वो क्वेश्चंस आप हमसे पूछेंगे। इंस्टाग्राम पे तो मैंने लगा दिया था, फिर से मैं लगाऊंगी, इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं, वो चला भी गया, वो 24 आवर्स की स्टोरी होती है, वो हट भी गई, पर मैंने वो स्क्रीनशॉट्स लेना भूल गई, तो मैं दोबारा अच्छे से लगाऊंगी आज वहाँ पे भी। और यूट्यूब के कमेंट भी ना तुम भर दो क्वेश्चंस पूछ पूछ के, कि फर्स्ट टाइम है और बेस्ट होना चाहिए। हम और 2 तारीख को मिस्टर हुड्डा आएंगे, देन हम दोनों बैठ के तसल्ली से तुम सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत मस्त वीडियो बनती है ना। आज तक देख हम कितने पागल हैं, मैं तो समझ ही नहीं आया कि हमने क्यों नहीं करा है।
दुनिया हर महीने कर देते हैं, हम मेंटल हैं, हमने आज तक क्वेश्चन आंसर के आंसर ही नहीं दिए बेवकूफ। पर डोंट वरी, मैं खुद को ही सुनाने लग जाऊं यार, पागल हूं मैं भी। तो डोंट वरी, अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाओ, आज तक जो भी कमेंट नहीं करता था ना वो भी मेरे से क्वेश्चन पूछो, मेरे से पूछो, मिस्टर हुड्डा से पूछो, हमारी फैमिली के बारे में पूछो, कुछ जो भी आपका मन करे। तो जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना, यू नहीं कि हम तुम कुछ भी बोल दोगे और हम उसका आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस, और अपना भी लिख देना कि भाई मैं यहां से हूं, तो आपको इंटरेस्ट आएगा उस वीडियो को, क्योंकि मैं भी अगर किसी से क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे भी उम्मीद रहती है कि भाई वो मेरा नाम ले, है ना, अच्छा लगता है ना। तो ऐसे और सुनाओ तुम लोग कैसे हो आज, मैं भी तसल्ली से बात करूंगी आज, ऐसे नहीं है कि रेल बना दूं बातों की, कुछ भी बोल देती हूँ, है ना। अब जैसे घर गृहस्थी वाली हूँ मैं, कैसे कह रही हूँ घर गृहस्थी, लाइक मैं एक बहू भी हूँ, है ना, एक भाभी भी, बहुत सारे रिलेशंस हैं मेरे जो मैं निभाती हूँ। तुम लोगों को लगता होगा कि यार ये ऐसे रहती है, इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, कितनी इसको फ्रीडम देती है ना। हाँ ये बात सच है, बहुत बहुत सच है। मैं ना मैंने आज तक नहीं बोली ये सब बातें कि भाई मैं ऐसे वैसे रहती हूँ, बट पता है क्या चीज़ है, एक जो ड्रीम फैमिली होती है ना, एक्चुअली एक लड़की ने पूछा था मेरे से कि भाई तुम्हारे सास ससुर तुम्हें रोक टोक नहीं करते, ये सब नहीं करते या कुछ भी, हर जैसे मैं मोस्टली लड़कियों को 90% देखती हूँ, वो घर घर में रहती हैं, बच्चे पालना, ये सब अच्छी चीज़ है, बुरी बात नहीं है कि भाई तुम ये काम कर रहे हो, लेकिन अपने लिए टाइम देना ना और अपनी सक्सेस के लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लड़कियों की लाइफ में, कलेश होते हैं घर के, वो मोस्टली इस वजह से होते हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं पे स्टॉप कर देती हैं, मान लो बेबी हो गया, फिर उसके बाद तुम समझ सकते हो वो सब चीज़ें, वो घर गृहस्थी में बिल्कुल इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, घर गृहस्थी को संभालो, साथ में तुम खुद को भी टाइम दो, जिससे कि तुम्हारे जो घर के कलेश वगैरह, तुम्हारी लड़ाई होने के चांसेस ही ना बचे, राइट। मैं क्या करती हूँ, मैं यही चीज़ करती हूँ, मेरी जो सास हैं वो खुद ये करती हैं, वो अपने काम में बिजी रहती हैं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, सो हमारे मालिक की दया से ऐसा कुछ, ऐसा जो लड़ाई झगड़ा पंगा घर का छापा छुपा होया कर वो होता ही नहीं। सो ये बेस्ट चीज़ है, मैं इस चीज़ की आप लोगों को भी लिटिल सी एडवाइस देना चाहूँगी, क्योंकि एक लड़की है उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसने पूछा था मेरे से ये बात कि दीदी आप कैसे मैनेज करते हो। सो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, मैं अपने लाइफ को, है ना, एक सक्सेस के स्टेज पे आगे बढ़ाते देखना चाहती हूँ, लाइक स्ट्रगल भी हो और इन्जॉयमेंट भी हो, दोनों चीज़ें साथ साथ हो। और मेरी फैमिली तो यार मालिक की दया से बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हैं और ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मेरे मम्मी पापा हैं जो यहाँ वाले, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। सो हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, इनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। जो ससुराल वाले जिनकी अभी अभी जैसे बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, जो ससुराल वाले ना पहले 6 महीने साल भर उनकी चीज़ों को देखो, वो चीज़ें कैसे करते हैं, ठीक है। फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी रखो, ऐसा नहीं कि तुम चुप हो जाओ बस देखते रहो, नहीं, तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम बोलो, ठीक है, बातें और माइंड क्लियर करके चलो, चीज़ों को इकट्ठा मत करो, बस ये सारी चीज़ें। और गृहस्थी बहुत अच्छी चीज़ है, शादी के बाद लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कि शादी से पहले तो मेरी लाइफ ऐसी थी, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, या फिर टीचिंग करने चलेगी, बस दैट्स ऑल, इतना कुछ था नहीं। लेकिन शादी के बाद आके मैंने असली लाइफ जी है, और एक रील वायरल थी कि मोस्टली लड़कियां, मिडिल क्लास लड़कियों के पंख तो ससुराल में जाके खुलते हैं। हाँ ये बात सच है कि भाई बेस्ट मैं कहना चाहूँगी उस चीज़ को, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये चीज़ें रिवील नहीं करती क्योंकि मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, और फैमिली की चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए, लेकिन अब तुम भी हमारी यूट्यूब की इतनी अच्छी फैमिली बन चुके हो, तुम हमें समझते हो, है ना, हमेशा ऐसा पॉजिटिव प्यार ही देना, ऐसे नहीं कि तुम चीज़ों को रिलेट करके नेगेटिविटी फैलाओ, नहीं, मुझे वो उम्मीद बिल्कुल नहीं है तुम लोगों से, तुम बहुत प्यार करते हो, मिस्टर हुड्डा को भी करते हो, मुझे भी करते हो, मेरी फैमिली को भी, हमारी चीज़ काम को भी, हर एक चीज़ को,
सो ऐसे ही हमारे साथ कनेक्शन में रहना, बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अब एक सरप्राइज नहीं है भाई, मैं सच बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने कितने सरप्राइज है, जो नई नई चीज़ें क्रिएटिव, जैसे कि अब हम इतने व्लॉग्स डालते नहीं हैं। वो क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि माइंड चलाती रहती हूँ मैं क्रिएटिविटी में कि भाई क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उस वजह से। लेकिन तुम, मैं कभी व्लॉग डालूँ, तुम अच्छे अच्छे बच्चे हो, जो बच्चे भी हैं, दीदी हर भी हैं, बड़ी एज के भी हैं, हाँ भैया हर भी हैं, सब बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो। ऐसे नहीं कि मैंने 4 दिन में वीडियो डाली है तो उस पर व्यूज़ ही नहीं आए, तुम देते हो भाई, तुम बहुत अच्छे हो। तो ऐसा एक फैमिली बन चुकी है। सो अपनी फैमिली के लिए आज मैं अपने दरवाजे खोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं भर भर के, और उनका इतना तगड़े तगड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, तो ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बातों पे गौर फरमाएंगे। और अब देखते हैं कि मैं रात में अब क्या करूँगी, मैं खाना पीना बनाऊँगी, अपनी एडिटिंग करूँगी थोड़ी बहुत, बाहर घूमने चली जाऊंगी, बस ऐसे मेरा टाइम पास हो जाएगा। और मैं अभी इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि मेरे कार ड्राइवर भैया का फ़ोन आ गया, वो अटेंड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए राधे राधे। फिर से मैं आ गई हूँ बाहर घूमने के लिए, खाना पीना खा के सारी चीज़ करके, और मुझे सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, फ़ोन की लाइट से हम चलने लग रहे हैं। मम्मी हर पीछे, मैं आगे आगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तेज़ चलना था, दोबारा मुड़ के उनके पास चली जाऊँ। फिर मैं कह रही थी दांत में कुछ फंस गया, अब वो उसी पे जान अटक रही है। सच में यार, शरीर इतना बड़ा होता है, इसमें इतना सा कुछ हो जाए ना, उसी पे ध्यान रहता है हमारा। और रुक जाओ 2 मिनट, मेरे सांस चल रही है। ओ दिखाओ मम्मी और आंटी को, यार दिख रही है तुम लोगों को, हेलो कर दो है? या मैं डॉक्टर आंटी ठीक हो जी? हाँ, ये मम्मी की फ्रेंड है। बोलो कुछ तो बोलो आंटी, ऑनलाइन वो ठीक है, वेरी नाइस, वेरी सब। हाँ आप खुश हैं सब? हाँ, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। स्वीट सी आंटी है ये हमारी पड़ोसन, ये डॉक्टर नीवी है, नीवी बता दे। हाँ बता दी, डॉक्टर आंटी है ये हमारी। सो गाइस, अब हम अपनी शेयर कर ले रात की, ये हमारी एक गुड हैबिट लगा लो, कैसी लगा लो, है ना आंटी? हाँ बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, हेल्दी हेल्दी हैबिट जी। सो गाइस, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, फिर कल कल कल, ठीक है गाइस, राधे राधे। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है, राधे राधे।